हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग और आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी को मैं दिखाने जा रहा हूँ हमारे चौखम के गोल्डन टेंपल को। तो आइए चलिए देखते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हमारे चौखम के गोल्डन टेंपल की ओर। तो कार को मैं पार्क कर लेता हूँ जो कि काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आई होप आप सभी को अच्छा लगे। तो फाइनली हम कार से उतर चुके हैं। तो नज़ारा कुछ इस तरह है। वो नदी के पार उस तरह भी जा सकते हैं। और फिलहाल ये पीपल के पेड़ को देखिए, काफ़ी सुंदर है। तो चलिए चलते हैं उस तरफ हमारे चौखम के गोल्डन टेंपल की ओर। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं। ये ब्रिज कुछ इस तरह से लगता है। आइए चलते हैं। काफ़ी पुराना हो गया, आप सभी देख सकते हैं। इसमें काफ़ी रस्टिंग भी हो चुका है लेकिन भी काफ़ी अच्छा है। तो इधर देख सकते हैं आप, इधर कार वॉश भी हो रहे हैं। चलिए चलते हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, आप सभी को अच्छा लगेगा ये। और यहाँ का पानी ना काफ़ी साफ है, ठीक है। काफी पुराना है ये, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से दिखता है ये। तो आप सभी को इस सुंदर नज़ारे की शेयर कराऊंगा। ये कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी सुंदर है। अगर आप चौखम आते हैं तो ज़रूर इसे विजिट करिए। काफ़ी चौखम के रास्ते के काफ़ी बगल में ही है। तो आप सभी को दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर है। फिलहाल तो इसमें लॉक लगा हुआ है, अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि इसमें ताला लॉक किया गया है। क्योंकि काफ़ी लोग आके गंदा करके चला जाता है, इसलिए इसको लॉक कर दिया गया है। लेकिन काफ़ी सुंदर नज़ारा है, आप सभी देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो गाइस, सियाला खुला हुआ है तो इसके अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। एक बार आप सभी को इसके सुंदर नज़ारा को दिखा देंगे जो काफ़ी सुंदर है। और तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें छोटा छोटा भी बनाया गया है, जैसे कि ये आपका काफ़ी सुंदर से बनाया गया है, देख सकते हैं आप। और इसका व्यू जो, ओ माय गॉड, आप लोग बोल नहीं सकते कितना सुंदर है इसका व्यू। अगर आप चौखम आते हैं तो जरूर 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 विजिट कीजिए इस सुंदर नज़ारे को, देख सकते हैं आप लोग। चौखम आएंगे तो जरूर आप लोग विजिट कीजिए, ये काफ़ी सुंदर है। ये कुछ इस प्रकार देखते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे ये वाला जो काफ़ी सुंदर है, कुछ इस तरह से दिखता है ये। इसका अंदर कुछ इस प्रकार देखते हैं जो कि काफी सुंदर है। लॉर्ड बुद्धा के काफी सुंदर बनाया गया है, सभी देख सकते हैं इसे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये हम लोग का गोल्डन टेंपल है चौखम के, जो काफी सुंदर है। उस पार के नज़ारा को भी दिखाएंगे काफी। उसमें एक ब्रिज बनाया गया है, लोकल है। ये ब्रिज कुछ इस तरह से दिखता है। वहाँ पे काफी क्यूट क्यूट पपी भी हैं। तो कुछ इस प्रकार देखते हैं, जो कि काफी सुंदर है। और यहाँ फिर ये टेंपल चारों तरफ से नदी से घेरा हुआ है। ये नदी के बीचों बीच पे है ये टेंपल, जो कि काफी इसे सुंदर बनाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे भी बस पानी ही पानी, जैसे कि देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर है। साइड लुक्स भी इसका, एक्चुअली ये काफ़ी सुंदर व्यू है। आप यहाँ पे आएंगे ना, इसे काफ़ी पसंद करेंगे। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो अभी हम जाएंगे, वो रहा हमारा ब्रिज जो हम जहाँ से हम आए थे। तो चलिए उधर चलते हैं। तो अभी हम
हम जा रहे हैं वापस उस टेम्पल को बाय बाय करते हुए। अभी हम निकल रहे हैं वापस जाएंगे अपनी कार की ओर। उस तरफ में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जाके वॉल का कंस्ट्रक्शन बोल के। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, तो फिर हम निकलते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो ला सकें।